तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं मंगल के गोचर की। तो मंगल का गोचर राहु के साथ होने वाला है कुछ ही दिन में। 22 फरवरी से मंगल शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करने वाले हैं। फिलहाल वो अपनी खुद की राशि मेष में गोचर कर रहे हैं। तो ये अंगारक दोष बनेगा, ये राहु के साथ मंगल बनाएंगे वृषभ में। तो ये धनु राशि और लगन के लिए जो हम चर्चा कर रहे हैं, इनके लिए ये सिक्स्थ हाउस में बनेगा। तो इसके क्या प्रभाव रहेंगे आपके ऊपर, क्या अच्छे और बुरे परिणाम आपके लिए रहने वाले हैं, इन सभी की हम चर्चा इस वीडियो में कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इस जो दोष है इसके प्रभाव को जानने से पहले ये देखना होगा आपके राहु कुंडली में मंगल और आपके शनि शुक्र और बृहस्पति भी, ये सब किस प्रकार से बैठे हैं। अगर इन सब की प्लेसमेंट अच्छी है तो इसके नकारात्मक परिणाम आपको कम देखने को मिलेंगे, अदरवाइज इसके कुछ नकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे अगर ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है। पर ये सिक्स्थ हाउस में युति होने के कारण आपके लिए अच्छे रिजल्ट की जो मात्रा वो ज़्यादा रहेगी। तो देखिए यहाँ पर सिक्स्थ हाउस में ये वृषभ में बनेगा अंगारक दोष और ये 14 अप्रैल तक रहने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि राहु जो कि पहले से ही गोचर कर रहे हैं वृषभ में, इनके आने के बाद आपको शत्रुओं से राहत मिली होगी, आपको कर्जों से मुक्ति मिली होगी, या कर्जा कहीं से आपको लेना था तो वो आपका काम बना होगा। यानी जो भी आपका काम है वो बना होगा सिक्स्थ हाउस को लेके। थोड़ा सा रूटीन को आप फॉलो कर रहे होंगे, अगर आप रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं अपने खुद के रूटीन को, तो थोड़ा सा उसको फॉलो करने की कोशिश ज़रूर करें और बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और पिछले कुछ समय से आपको अगर शत्रुओं से परेशानी थी तो शत्रुओं का पराजित होना इस समय में स्टार्ट हुआ होगा। कुछ चेंजेस जरूर आपको देखने को मिले होंगे, साथ ही कार्यस्थल पर भी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले होंगे। तो यहाँ पर राहु ने अपना प्रभाव एक तरह से हम कह सकते हैं कि देना स्टार्ट कर दिया। अब राहु यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन देता है। राहु वो एनर्जी है जो इस भाव के जो भी स्ट्रगल्स हैं जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं उनको दूर करता है और आपको एक बहुत अच्छे रास्ते से काफ़ी सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाता है। अब यहाँ पर जब मंगल का आगमन हो जाएगा तो मंगल बहुत ही ज़्यादा आक्रामक ग्रह है और मंगल सब कुछ तुरंत चाहता है, रिजल्ट तुरंत चाहता है और पहले से ही राहु बैठा है। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है मंगल की, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, बहुत फास्ट काम करेगी। अभी तक जो काम कुछ महीनों में हो रहा था वो कुछ दिनों में ही हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरह से हम इस गोचर को ले सकते हैं, यानी मंगल के आने के बाद आपकी जो स्पीड है कुछ ना कुछ कार्यों की वो इतनी ज़्यादा फास्ट होगी। तो इस एनर्जी को आपको कैसे हैंडल करना है, इसके किस प्रकार के परिणाम आपके लिए रहने वाले हैं और उन परिणामों से आपको क्या मिलने वाला है, कुछ अच्छा मिलने वाला है या कुछ बुरा मिलने वाला है। तो सिक्स्थ हाउस के जितने भी आपके कार्य हैं वो बनेंगे। सिक्स्थ हाउस में जहाँ भी आपको दिक्कतें आ रही हैं वहाँ पर आपको दिक्कतें दूर होंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर करना पड़ सकता है। साथ ही मंगल के यहाँ आने से आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पर जो कुछ लोगों के साथ आप काम करते रहते हैं उनके साथ आपके संबंध खराब ना हो, ये देख लेना। दूसरा, यहाँ पर आपको कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या अगर जो पहले से चल रही है राहु के गोचर के बाद से ही, वो थोड़ी सी बढ़ सकती है स्टार्टिंग में और उसके लिए आपको पैसा वैसा खर्च करना पड़ सकता है। तो ये ज़्यादा दिक्कत हो सकती है यहाँ पर बीमारी को लेके। अगर दिक्कत पहले से चल रही है तो वो प्रॉब्लम एक बार ज़रूर बढ़ेगी। इसके अलावा अगर आपको हेल्थ इश्यू नहीं है तो कुछ समय के लिए हो सकता है आपको हेल्थ इश्यू का सामना करना पड़े, या फिर कोई ऐसी बीमारी जो बहुत ज़्यादा गुप्त हो, जिसका रोग जो जो रोग है जो जो बीमारी है उसका किसी को भी पता ना चले, डॉक्टरों को भी उसका पता ना चले, तो ऐसी समस्या आपको आ सकती है, पर वो कुछ समय के लिए रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही साथ देखिए ये जो आपका भाव है ये आपका ननिहाल पक्ष का भाव है। तो ननिहाल पक्ष का भाव है तो उस वजह से आपके उन लोगों से रिलेशन
खराब हो सकते हैं कुछ समय के लिए, और उनके घर में भी कोई विवाद वगैरह या कोई उनको भी ऐसी अड़चन आ सकती है, तो ये आपको देखना होगा। साथ ही साथ देखिए, आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपका जो क्लाइंट है वो 6th हाउस है, और वो जो पे करता है आपको वो 6th हाउस से ही पे करता है। तो जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, कंसल्टेंसी आप कर रहे हैं, उसमें अपने क्लाइंट्स से आपका व्यवहार काफ़ी अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा रूड नेचर के होते हैं, और वो जब बोलते हैं तो अगले को काफ़ी गलत लगता है। तो आपकी जो भी क्लाइंट्स हैं उनके साथ व्यवहार काफ़ी अच्छा हो, इसका पूरा आपको कोशिश करना चाहिए। साथ ही साथ मैरिड लाइफ में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, और अन्य भी आपको कोई इश्यू नहीं रहने चाहिए। संतान पक्ष को लेकर सावधान रहना पड़ेगा, प्रेम संबंधों को लेकर भी सावधान रहना पड़ेगा, और बढ़ते हुए जो आपके खर्चे हैं उनको लेके भी इस गोचर के दौरान, इस समय अवधि के दौरान सावधान रहें। कहीं से भी नया लोन या ऋण नहीं लेना है, और किसी को भी कहीं उधार नहीं देना है। इसके साथ ही साथ देखिए, विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी आपको अच्छी तेजी, सक्सेस देखने को मिल सकती है, बट एनर्जी को आपको कंट्रोल करना होगा। मंगल की जो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी है, इसको आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको काफ़ी समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो अब हम एक एक ग्रह का जो जो एस्पेक्ट पड़ रहा है विभिन्न भावों पर, उसके रिजल्ट को जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर मंगल की। मंगल का सबसे पहले एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 9th हाउस पर। 9th हाउस पर एस्पेक्ट पड़ने की वजह से फादर के साथ आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि जरूर बढ़ेगी। कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या हायर एजुकेशन से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और मान लीजिए आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम इस समय में दे रहे हैं तो आपको उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। तो ये इस गोचर में आपके साथ हो सकता है। साथ ही साथ दूर की यात्राओं में कहीं एक्सीडेंट वगैरह का चांस ना हो, ये आपको देखना होगा। और जो भी शास्त्रीय विषय हैं, जो कुछ धार्मिक पुस्तकें हैं उनको पढ़ेंगे तो आपके मन को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलेगा। भाग्य अचानक साथ दे सकता है, अचानक कोई ऐसा कार्य बन सकता है जो आपने सोचा ना हो, क्योंकि भाग्य भाव पर मंगल दृष्टि डाल रहे हैं, और ये जो एनर्जी आ रही है राहु मंगल की, दोनों की ही एनर्जी यहाँ पर काम करेगी, तो उस वजह से भाग्य, आपका जो लक है, वो आपको एक धक्का सा मार सकता है यहाँ पर आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं परिवार में या जो गुरुजन हैं उनसे संबंध खराब ना हो, ये देखना होगा आपको। साथ ही साथ मंगल यहाँ से 12वें भाव को देखेंगे। 12वें भाव को देखने से, दोनों ही ग्रह 12वें भाव को हालांकि देख रहे हैं, तो ये सीधा एस्पेक्ट डाल रहे हैं अपने से 7th भाव को देख रहे हैं, आपके शयन कक्ष को देख रहे हैं, आपके विदेश सेटलमेंट को देख रहे हैं। तो आपका शयन कक्ष, आपका बेडरूम जिसको ये देख रहे हैं दोनों ही ग्रह, वहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़े के चांसेस बनते हैं, तो अपने पार्टनर के साथ आपको इस समय में सावधान रहना पड़ेगा। साथ ही साथ विदेश से जुड़े हुए कार्यों में थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। खर्चा काफ़ी बढ़ सकता है, पर काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हो सकता है। तो विदेशी कार्यों से आप जुड़े हैं या कोई विदेश से जुड़ा हुआ बिजनेस कर रहे हैं तो फायदा भी आपको निश्चित देखने को मिल सकता है। अब इन जो युति ये बन रही है, इसके परिणाम किस तरह से मिलेंगे, अगर पहले से ही आपको राहु मंगल का इस प्रकार से युति बना हुआ है किसी भी भाव में, तो ऐसे लोगों के लिए ये परिणाम थोड़े ज़्यादा होंगे और थोड़े फास्ट होंगे। साथ ही साथ आपको अगर इनमें से किसी की दशा भी चल रही है तो भी आपको परिणाम ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो अपनी जो मैरिड लाइफ है उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आपको, जैसे मैंने बोला, आपके जो क्लाइंट्स हैं जो आपसे कोई सर्विस लेते हैं या अन्य कोई आपके जो सहकर्मी हैं उनसे संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे। बिजनेस में विशेष ध्यान रखें, पार्टनरशिप का भी ध्यान रखेंगे आप तो काफ़ी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड और आपका दृष्टिकोण जरूर होना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अपने खर्चों पर आपको लगाम लगानी होगी। खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, किसी बीमारी की वजह से बहुत बड़ा खर्चा इस समय में हो सकता है, पर फिर भी आप नहीं घबराएंगे, आप काफ़ी आक्रामक रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम करने की कोशिश करेंगे, पर आपको शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। इसके बाद जो यहाँ से मंगल की दृष्टि पड़ेगी आपके राशि या लग्न स्थान पर ही पड़ेगी,
तो धनु वालों के लिए ये राशि और लग्न स्थान पर जब पड़ रही है तो धनु राशि पर पड़ रही है, मित्र राशि पर पड़ रही है, पर यहाँ राहु के साथ मंगल होने की वजह से गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी रहने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा आपको अपने आप को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। और आप समझ सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाएंगे, एक तो ऑलरेडी आप अग्नि तत्व राशि या लग्न के हैं, तो अगर मंगल की इस प्रकार की दृष्टि पड़ रही हो तो और भी ज़्यादा आक्रामक हो जाएंगे, और जो भी कार्य आपको करना होगा उसमें आप पूरी तरह से जान डाल देंगे। स्वास्थ्य के लिए हालांकि ये कुछ स्थितियां ऐसी बीच बीच में क्रिएट होंगी जो आपको अच्छे परिणाम भी जरूर देंगी, लेकिन यहाँ पर दिक्कत तभी आएगी आपको जब आपके पहले से कोई रोग इस समय चल रहा है, पूरी तरह से ठीक नहीं है आप, तो वो एक बार बढ़ सकता है, अचानक बढ़ सकता है, और उसकी वजह से अचानक आपको कोई बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है। पर अगर एकदम से आप स्वस्थ हैं तो आपके लिए ये गोचर काफ़ी अच्छे रिजल्ट लेकर आया है। तो यहाँ पर जो राशि स्थान या लग्न स्थान पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, अपना व्यवहार अपनी फैमिली से और आपके दोस्तों से अच्छा रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। संतान से आपको काफ़ी अच्छे संबंध रखने होंगे तब जाकर रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो ये इस प्रकार से जो मंगल की दृष्टियाँ थी उनकी हमने चर्चा की यहाँ पर। अब देखिए राहु की दृष्टियों की बात करेंगे तो राहु सबसे पहले 10th हाउस पर यहाँ दृष्टि डालेंगे, तो 10th हाउस पर इनकी दृष्टि होने से आपके लिए जॉब में कुछ बदलाव निश्चित रूप से संभव है। जो प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं उनको कोई यहाँ पर अतिरिक्त काम मिल सकता है, लेकिन आपके जो भी बॉस हैं, जो आपसे ऊपर हैं, सीनियर हैं, उनसे आपके संबंध प्रभावित होंगे और ये संबंध आपके नेगेटिव प्रभावित हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक अच्छा मौका ढूंढ सकते हैं अपना जॉब चेंज करने का। लंबे समय से अगर आप सोच रहे हैं जॉब चेंज करने की तो आप वो कर सकते हैं। तो राहु की दृष्टि है वो अच्छा काम करेगी और ये कन्या राशि पर यहाँ पर पड़ेगी, तो हम कह सकते हैं ठीक रहेगा। इसके बाद यहाँ से राहु जो कि अपने डायरेक्ट सामने देख रहे हैं आपके 12वें भाव को, तो इसमें विदेश से जुड़े हुए कार्यों में अच्छे रिजल्ट कह सकते हैं हम, लेकिन अदरवाइज स्वास्थ्य को लेके और जो मैंने बोला कुछ खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे उसको लेकर दिक्कत हो सकती है। पर अगर आप विदेश से व्यापार कर रहे हैं या विदेश से कोई लेन देन कर रहे हैं उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम बनेंगे। इसके बाद यहाँ से राहु का जो एस्पेक्ट पड़ेगा यहाँ पर वो पड़ेगा आपके लिए, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ से 2nd हाउस को देखेंगे तो 2nd हाउस को देखने से वाणी स्थान को देख रहे हैं, और वाणी स्थान को देखने से वाणी में जो मधुरता थी वो बहुत ज़्यादा तीव्रता में बदलेगी, बहुत ज़्यादा आक्रामकता में बदलेगी। तो फैमिली से सबसे पहले संबंध किससे खराब होंगे, फैमिली से, तो अपनी फैमिली से आपको अच्छे संबंध रखने होंगे। धन की बचत करने के लिए कोई भी शॉर्टकट तरीका ना अपनाएं, अपने खान पान में नॉन वेज वस्तुओं का यूज बिल्कुल भी ना करें तो अच्छा रहेगा। साथ ही आपको किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, विवाद नहीं करना, प्रॉपर्टी से संबंधित भी कोई विवाद चल रहा है तो उससे भी आपको इस समय में सतर्क रहना पड़ेगा। अब यहाँ जो कि राहु देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको ये कुछ नॉनवेज की तरफ भी आकर्षित कर सकते हैं, पर अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। इसके बजाय आप ये कर सकते हैं कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, फैमिली से अच्छे संबंध रखें, और हमेशा आप पैसे के पीछे ना दौड़ें तो अच्छा ये गोचर आपके लिए रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर राहु है वो रिजल्ट देंगे। तो हमने यहाँ पर चर्चा की है दोनों ही ग्रहों की, राहु और मंगल दोनों ही किस प्रकार के परिणाम आपको देंगे। तो ये जो समय है जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बोला 22 फरवरी से 14 अप्रैल तक का आपके लिए रहेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें किस प्रकार के परिणाम, कितने अच्छे और बुरे परिणाम आप झेल सकते हैं, आप तैयार हैं, तो इस प्रकार के ही कुछ रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।